साल 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर एक बस यात्रा शुरू की गई थी। शांति और अमन का पैगाम लेकर खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती की पीठ में खंजर भोंक दिया। ठीक 4 महीने बाद उसने दोस्ती के बदले कारगिल में युद्ध कर दिया, जिस युद्ध में कई भारतीय वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और इसे जीतकर देश के मान सम्मान और गौरव को बनाए रखा। हर साल इसी युद्ध की याद में कारगिल विजय दिवस के तौर पर पूरा देश 26 जुलाई को इसे साबित करने से पहले कारगिल में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और वीरता की जो गाथाएं रची वो शब्दों में बयान नहीं की। अगर खुद को साबित करने भारतीय सेना ने इस युद्ध में विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन का सामना किया। इस दौरान वीरों को अपनी प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी थी। कई वीर तो विकलांग हो गए, कई आज तक लापता, लेकिन तिरंगे की शान कभी कम नहीं होने दी। कारगिल के हालात ऐसे थे कि दुश्मन ऊंची चोटी पर बैठा था और भारतीय सेना उन चोटियों पर स्थित अपने बंकरों को वापस जीतने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस पूरे ऑपरेशन को सेना ने ऑपरेशन विजय का नाम दिया था और वहीं इस युद्ध में 527 भारतीय वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की हिफाजत की। अदम्य साहस और वीरता की पहचान बने इस युद्ध में भारतीय वीरों में 4 जवानों को देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परम वीर चक्र मिला था, जिसमें ग्रेनेडियर योगेंद्र प्रताप सिंह यादव को परम वीर चक्र, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को मरणोपरांत परम वीर चक्र, कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परम वीर चक्र, इसके अलावा राइफलमैन संजय कुमार को भी परम वीर चक्र का सम्मान मिला था। इसके अलावा कैप्टन अनुज नैयर को मरणोपरांत महावीर चक्र और मेजर राजेश अधिकारी को भी मरणोपरांत महावीर चक्र के सम्मान से नवाजा गया था। इस पूरे युद्ध की गाथा और गरिमा शब्दों में बयान नहीं हो सकती है, लेकिन उन वीरों को आज भारत खबर परिवार याद करके नमन करता है। जय हिंद।